नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वार्ता व्यूअर्स इस विषय पर है कि तुला राशि वालों का सेवेंथ हाउस में 2019 आने वाले महीनों में कैसा जाने वाला है, विशेषकर शादी, एंगेजमेंट, बिजनेस रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, लव, रोमांस के बारे में। ग्रहों के गोचर को देखते हुए, सेवेंथ हाउस को देखते हुए तुला राशि वालों का कैसा जाने वाला है। यहाँ मैं सिर्फ तुला राशि वालों के सेवेंथ हाउस सप्तम भाव के बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ। व्यूअर्स, ज्योतिष के अंदर सेवेंथ हाउस वैदिक ज्योतिष के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि इसे हाउस ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, यानी कि आपकी शादी, आपके रिलेशनशिप, आपका लव अफेक्शन, आपके मोस्ट इंटीमेट रिलेशंस, इवन बिजनेस रिलेशंस भी इसी से कंट्रोल होता है। सेवेंथ हाउस अगर आपका ठीक है तो आपको एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा पत्नी, बच्चे, कोवर्कर्स, अच्छा बॉस, लोगों से बहुत प्यार, श्रद्धा और सुकून भरा जिंदगी तमाम उम्र मिलता है। और यदि सेवेंथ हाउस में ग्रहों की दृष्टि या प्लेसमेंट खराब है तो आपका इंटरपर्सनल लाइफ बहुत खराब जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत प्राचीन ग्रंथ भृगु संहिता, चिंतामणि चमत्कार, जातक परिजात एवं कई अन्य ग्रंथों ने इसी ओर इंडिकेट किया है। तो सेवेंथ हाउस का बड़ा इम्पोर्टेंस है। आपके पास खूब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लोगों के साथ खराब है, लोग आपसे नफरत करते हैं, आपकी पर्सनल मैट्रिमोनियल लाइफ में तनाव आ रहा है, रिलेशन खराब हो रहे हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का फल आपके सेवेंथ हाउस में ग्रहों की प्लेसमेंट या दृष्टि या कोई योग बन के आपको तकलीफें दे रहा है। या हम प्रेयर, स्पिरिचुअल सर्विस के द्वारा ही तमाम पूर्व जन्म के ऋणों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सेवेंथ हाउस, हाउस ऑफ पार्टनरशिप एंड मैरिज, ये बताता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार का है अपने बारे में, और लोगों के साथ जब वो बोलता है, लोगों के साथ जब वो इंटरेक्ट करता है, वे उसको प्यार करेंगे या नहीं। ये लग्न के बिल्कुल सामने है, जहाँ फर्स्ट हाउस प्रथम भाव ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में सेल्फ आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है, वहीं सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, टुगेदरनेस के बारे में बताता है। जब आपको बहुत प्यार की बारिश लोगों से मिलती है तो आपकी दुनिया ही कुछ और होती है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुतों को देखा होगा जिनको बहुत ही कम उम्र में लोगों का बहुत प्यार, सहानुभूति और सुकून मिलता है, और ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत अच्छी खूबसूरती, पैसा, पावर, सब कुछ होने के बाद भी उन्हें पर्सनल रिलेशनशिप में बहुत बुरी परिस्थितियों से जाना पड़ता है। यहाँ पर आपका जन्म कुंडली का दोष है। पूजा पाठ, दान पुण्य, सत्संग नहीं करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा आपको तकलीफें देंगी। सेवेंथ हाउस ये बताता है इस जीवन में आप बाहर की दुनिया से क्या आशा करते हो, अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से, अपने बॉस से, अपने बिजनेस पार्टनर से, अपनी नौकरी से, अपनी ज़िंदगी से, क्या लोग आपको
जैसा आप सोचते हैं वैसा देंगे? अगर आपके प्लैनेट्स 7th हाउस में अच्छे बैठे हैं तो आप जैसा सोचेंगे वो आपके अनुरूप ही चलेंगे और आपके पास आते ही सम्मोहित मेस्मराइज हो जाएंगे और आपकी सक्सेस स्टोरी आगे चलेगी। यही रीज़न है ये लोग कुंडली मिलान करते हैं, चाहे शादी हो, एंगेजमेंट हो, बिजनेस पार्टनरशिप्स हो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। विवाह से संबंधित कुछ भी हो व्यूअर्स, 7th हाउस ज्योतिष में 7वां भाव से गिना जाता है। आपके पास अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का कितना पावर है, आपके मन में अपने अपोजिट पार्टनर को प्राप्त करने की कितनी प्रबल इच्छा है, आपके अंदर कितना कमिटमेंट है रिलेशनशिप में, आप में कितना सेक्सुअल फैंटेसीज आती है, पैशन, पॉसेसिवनेस, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सारे चीज़ें गवर्न करती है आपकी जो प्लैनेट की पोजीशन है वो 7th हाउस में कैसे हैं। मेरे पास अनगिनत कुंडलियाँ ग्लोबली आती है शादी के बारे में, बिजनेस रिलेशनशिप के बारे में, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ग्लोबली। तो मैं और 7th हाउस जब मैं देखता हूँ तो बहुत से ऐसे प्रेडिक्शंस हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे शास्त्र में कहा गया है, हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर बिल्कुल सटीक। हैरानी होती है इतने वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या करके कैसे प्लानिटरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ध्यान के द्वारा 7th हाउस के बारे में, बाकी भावों के बारे में जान लिया। ये भाव व्यूअर्स ये भी बताता है कि आपके पास चिल्ड्रन उत्पन्न होने की एबिलिटी होगी या नहीं, आपके बच्चे आपके पास रहेंगे या नहीं, जिन बच्चों को आपने पाला क्या वो बड़े होकर आपका ध्यान रखेंगे, स्नेह रखेंगे या आपको नेग्लेक्ट करेंगे। ये 7th हाउस से पता चलता है कि बच्चे हमारे लॉयल होंगे कि नहीं, जिनके लिए आपने सब कुछ दिया वो अगर आपको अपनी नई दुनिया बसा ले और आप क्या ध्यान ना रखें तो आप समझ लीजिए कैसा फील होगा। 7th हाउस से ये भी जाना जा सकता है कि आपको सांसारिक इच्छा में रहने में आपकी इच्छा होगी या नहीं, शादी तो हो गई लेकिन पार्टनर्स में फिजिकल अट्रैक्शन है कि नहीं, फिजिकल इंटीमेट रिलेशनशिप की इच्छा है कि नहीं, ये भी 7th हाउस से जाना जा सकता है। इलनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्पोटेंसी, प्रोजेनी प्रॉब्लम्स, बच्चे होंगे या नहीं, ये तमाम चीज़ें 7वें भाव का हिस्सा है। क्यों आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हैं? पार्टनरशिप का व्यूअर्स यहाँ मतलब केवल शादी से नहीं, बिजनेस पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप और सम काइंड ऑफ लव फ्रेंडशिप, और इन करियर जॉब यू मे हैव फ्रेंडशिप विद मेनी पीपल, किस लेवल तक जाना चाहते हैं? क्या ये प्यार के लिए है, लोग आपसे प्यार के लिए दोस्ती करना चाहते हैं, मनी, सोशल प्रेशर या कोई और रीज़न है, या आप जीवन भर अकेला रहेंगे? ये बिल्कुल क्लियरली जाना जा सकता है 7th हाउस को देखकर, क्या आपको बहुत प्यार मिलेगा अपने लव पार्टनर का, हस्बैंड का, या तमाम उम्र झगड़े में चलेगी या एकांत में रहोगे? अगर प्लैनेट्स खराब हैं तो एकांत कर देता है। 7th हाउस ये भी बताता है कि आपको लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या जहाँ भी जाएंगे लोग सबसे पहले आपके ऑब्स्ट्रकल क्रिएट कर देंगे, आपका हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉफिट, सेटिस्फैक्शन, ये तमाम चीज़ें 7वें भाव का मामला है। आपका बिजनेस पार्टनरशिप, आपके रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशंस, एग्रीमेंट्स, जितने भी लेन देन हैं संसार के, वो 7th हाउस को देखकर जाना जा सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार के लेन देन से जाएगा। आप अपने घर परिवार में बच्चों के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, बॉस के साथ किस प्रकार के नज़रिया रखते हो, ये 7th हाउस में जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उसी हिसाब से आप लोगों को इंटरप्रेट, उनको पहचानोगे, उसी नज़रिए से देखोगे। वैदिक ज्योतिष ये भी कहता है किस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों से करेंगे, हमारे पार्टनरशिप कैसे होंगे, क्या हमारे लोगों के साथ पार्टनरशिप करने से हमारा जीवन बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा या हमारा डाउनफॉल हो जाएगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है विवाह के बाद
लोगों की बहुत तरक्की होती है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि विवाह के बाद लोगों की बहुत डाउनफॉल हो जाती है और पतन हो जाता है। या बिजनेस में आपने पार्टनर बनाया, बहुत प्रोग्रेस किया या डाउनफॉल हुआ, इसमें सेवन्थ हाउस को देखना पड़ता है और फिर जजमेंट दिया जाता है। सातवां भाव व्यूअर्स हमारे जीवन के अंधकार पक्ष, डार्कर साइड को भी बताता है। जैसे सेवन्थ हाउस सातवें भाव कुंडली के देखकर जाना जा सकता है हम कितने कोर्ट केस में इन्वॉल्व रहेंगे, लीगल बैटल, डाइवोर्स, सेपरेशन, झगड़े, एनिमिटी, फाइन, लोगों से किस प्रकार का डिफरेंसेस रहेगी, ये बताता है। और आप अपने रिलेशनशिप को तमाम झगड़ों के बावजूद भी कैसे संभालोगे, हर प्रकार की एग्रीमेंट्स, फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन अफेयर्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, फॉरेन जर्नीज, ये सातवें भाव का क्षेत्र है वैदिक ज्योतिष। वैदिक ज्योतिष में सातवां भाव तुला राशि कंट्रोल करता है, प्लैनेट वीनस, जो लव, रोमांस, सेक्सुअलिटी का देवता है। ये हमारे बॉडी के किडनी और लोअर बैक को भी कंट्रोल करता है। व्यूअर्स, ये मैंने सेवन्थ हाउस कुंडली के इसके बारे में परिचय दिया। तुला राशि वालों का अगर देखा जाए तो आपके सेवन्थ हाउस मेष राशि है। आपका जो सेवन्थ हाउस में, अगर हम 2019 में मेष राशि का स्वामी मंगल, यदि हम 2019 में मंगल का गोचर देखें तो 1 जनवरी 2019 से 5 फरवरी 2019 तक मंगल मीन राशि में गोचर कर रहा था। 5 फरवरी 2019 से 22 मार्च 2019 तक मेष राशि में इसने गोचर किया। ये समय खराब था। 22 मार्च 2019 से ये 6 मई 2019 तक वृषभ राशि में गोचर किया। 7 मई 2019 से 22 जून 2019 तक मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। इसके बाद व्यूअर्स, मंगल 22 जून 2019 से 8 अगस्त 2019 तक कर्क राशि में गोचर करेगा। फिर 9 अगस्त 2019 से 24 सितंबर 2019 तक सिंह राशि में गोचर करेगा। 24 सितंबर 2019 से 10 नवंबर 2019 तक मंगल कन्या राशि में गोचर करेगा। 10 नवंबर 2019 से 25 दिसंबर 2019 तक तुला राशि में गोचर करेगा। 25 दिसंबर 2019 से वर्ष समाप्ति तक वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। ये पूरे वर्ष आपके सातवें भाव सेवन्थ हाउस के स्वामी मंगल का गोचर था। आपका जो सेवन्थ हाउस से संबंधित मामले हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, सारे शुभ और मांगलिक आने वाले 6 महीने में, यानी कि 1 जून से लेकर दिसंबर 2019 अंत तक रहेंगे। यानी कि बिजनेस के अंदर बहुत प्रोग्रेस गेन होगा, नई पार्टनरशिप, विदेश यात्रा, शादियां होंगी तुला राशि वालों के, एंगेजमेंट्स होंगे, लोगों के साथ जो रिलेशन खराब हुए थे पिछले 2 साल में वो इम्प्रूव होगा, कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें आपको मुक्ति मिलेगी, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा पावर आएगा, आप कहीं पर जीत के आओगे, आपको कोई बड़ा पोस्ट भी मिल सकता है, राजनीतिक हो सकता है, बैंकिंग, फिनेंस, जुडिशरी के अंदर बहुत बड़ा पोस्ट मिल सकता है, ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट, बैंकिंग, फिनेंस, MBBS या इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट जंप आपको मिल सकता है, आपकी कहीं पर बहुत ज़्यादा धनराशि प्राप्त करने का भी योग है, ज़मीन जायदाद खरीदने का, नया मकान बनाने का, विदेश यात्रा करने का, और एक बहुत ही खुशी का समाचार आने का, विशेषकर आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। जो भी मैंने सेवन्थ हाउस के बारे में बताया है अभी, वैदिक ज्योतिष के अनुसार आने वाला जो 6 महीना है 1 जून से, वो आपका बहुत शुभ, बहुत मांगलिक होने वाला है। विवाह होंगे, बिजनेस पार्टनरशिप्स होगी, करियर ग्रोथ होगा, प्रमोशंस और नई बिजनेस, पैसे का गेन, उन्नति,
सेवेंथ हाउस से संबंधित जो भी इश्यूज हैं, ऑफ कोर्स मैं ये जरूर कहूँगा, यदि आपकी कुंडली में महादशाएं अच्छी चल रही है तो इसका प्रभाव आपको और अच्छा मिलेगा। यदि महादशाएं खराब चल रही है तो जो मैंने वर्णन किया उसके प्रभाव में थोड़ा कमी आएगी। इसलिए आप, क्योंकि आपके राशि का स्वामी शुक्र भी है तुला राशि का, तो आप फिरोजा, अमेरिकन डायमंड, डायमंड और शुक्र देवता की पूजा ज़रूर करिएगा, इससे लाभ मिलेगा। और अधिक से अधिक परफ्यूम में रहिएगा, कोई भी खुशबू इतर अपने शरीर में जब भी बाहर जाए लगाइएगा, इससे आपकी पावर बढ़ेगी, शुक्र देवता को बल मिलेगा, जहाँ जाएंगे लोग अट्रैक्ट होंगे, एंगेजमेंट करने जा रहे हैं तो अट्रैक्ट होगा, शादी की बात चल रही है तो पक्की हो जाएगी, नौकरी लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पुलिस सर्विस या रेवेन्यू सर्विस या अकाउंट सर्विस के अंदर आपका अपॉइंटमेंट होने वाला है, विदेश में होने वाला है, राजनीतिक पद मिलने वाला है, जीत होने वाली है, खुशियों का अंबार लगने का समय ये 6 महीना रहेगा। ऑफ कोर्स एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यदि कुंडली में शुक्र पाप ग्रहों के साथ प्लेस्ड है तो फल में और थोड़ी कमी आएगी। शुक्र यदि बलवान है फल और अच्छे पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ये था एक जनरल परिचय तुला राशि वालों के लिए सातवें भाव के बारे में, आने वाला 6 महीना कैसा जाने वाला है। ये मेरा एक प्रयत्न ये भी है, आप में से तमाम व्यूअर्स का एक रिक्वेस्ट था कि थोड़ा हमको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाइए ताकि हम भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये मैंने तुला राशि के सेवेंथ हाउस यानी कि मेष राशि के बारे में बताया है। आने वाले वार्ताओं में मैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के बारे में भी लेक्चर्स दूंगा ताकि मेरे व्यूअर्स सीख सकें। मैं आने वाले वार्ताओं में आप में से कईयों से मैं पर्सनली फ़ोन में भी उनके कुंडली के बारे में बताऊंगा। मेरे चैनल को देखते रहिएगा, वहाँ से मैं कुछ लोगों से मैं मोबाइल में बात भी करूँगा, उनको मैं बताऊँगा भी पर्सनली। और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आने वाले समय में अपने चैनल्स में अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आऊँगा, चैनल देखते रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।